राष्ट्रीय पेयजल योजना के तहत ग्रामीण के सभी क्षेत्रों में सभी परिवारों को शुद्ध पेयजल मिलने का प्रावधान है, परंतु जनपद कानपुर ब्लॉक घाटमपुर ग्राम पंचायत मकरंदपुर के एक छोटे से गांव सुजानपुर में पिछले 2 साल से लगभग ये हैंडपम्प खराब है, जिसमें कुसमा सहित लगभग 80 लोगों को 1 किलोमीटर दूर पे पानी भरने जाना पड़ता है, जिसके कारण इन सभी लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये आपके यहाँ जो नल की समस्या है, ये कब से है? ये कम से कम हो गया 2 साल के ऊपर हो गए। तो आप लोग पानी कहाँ से लाते हैं? पानी लाते हैं, कहीं गांव में जाते हैं, कहीं ट्यूबवेलों में जाते हैं, पानी नहीं देते तो भगा देते हैं, तो भागते भागते कहीं ना आ रहे तो वहाँ ले जाते हैं गोरू हरान को, वहाँ से नहा के आते हैं। पीने को पानी बड़े मुश्किल में मिलता है, बाल्टी 2 बाल्टी मिल गया पीने के लिए। कितना टाइम लगता है आप लोगों को पानी लाने में? हमें टाइम लग जाता है, कम से कम आधा घंटा आने जाने में लग जाता है। तो वहाँ पर क्या, वहाँ पर कैसे पानी मिलता है आप लोगों को? बहुत खड़े रहो, बहुत देर में पानी मिलता रहा। तो आप लोगों को काम, फिर काम करते हैं, बहुत टाइम हो जाता है तो फिर नहीं मजूरी कर जा पाते हैं, पानी की वजह से नहीं जा पाते हैं, नहीं उसे तो चले जाए। पानी बहुत दूर से लाओ जाता है, कछुआ जाता है, पानी भरे भरे दिन भर जाता है। इसकी कहीं पर शिकायत दर्ज कराई? मैंने एप्लीकेशन प्रधान को भी दी है, BDO को दी है, और हेल्पलाइन नंबर शिकायत भी किया है, मुख्यमंत्री को भी मैंने एप्लीकेशन भेजा था हेल्पलाइन के माध्यम से। इसके बाद भी मैंने विधायक को भी एप्लीकेशन दिया जो वर्तमान प्रधान है, फिर मैंने BDO साहब से कहा कि रिबोर करवा दीजिए, फिर मैंने जो मीटिंग हुई थी सचिव है जो उनसे भी मैंने शिकायत की, अभी तक हैंडपम्प न रिबोर करवाया गया है। हमारी समस्याओं को ज़्यादा शेयर किया जाए, लाइक किया जाए, हमारी समस्या को समाधान किया जा सके। ये वीडियो बनाने के बाद हम लोगों ने समुदाय में एक मीटिंग का आयोजन किया और हम लोग जल्द ही ब्लॉक ऑफिस जा करके BDO जी से इस समस्या पर समाधान करने का प्रयास करेंगे। मैं अंशिका सिंह, राज्य उत्तर प्रदेश कानपुर शहर से, इंडिया 8 के लिए।